नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम पांडे। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है रियलिटी सिंगिंग शो ओम शांति ओम की उप विजेता मिस प्रिया मलिक। उसमें सुपौल में आप थी, आपने बचपन सुपौल में गुजारा, फिर आप पटना आई। महानगरों में जाकर गायकी का आपका धुन कब से आया, आपने कब से गायकी को अपने करियर के तौर पर देखा? जी, गाना बजाना का जो माहौल है वो हमेशा से मेरे घर में रहा है। पापा बड़े ही गाने के शौकीन हैं, मम्मी भी गाती हैं, पर किसी ने प्रोफेशनली कि मैं सिंगर बन जाऊँ ऐसा कोई हमारे फैमिली में नहीं है। मैं पहले हूँ जो कर रही हूँ। तो गाना बजाना मुझे बचपन से अच्छा लगता था क्योंकि मेरे फैमिली में वैसा माहौल था, तो मैं बचपन से ही गाती थी, डांस भी करती थी। तो मैंने पहले डांस सीखना शुरू किया, मैंने कथक सीखा, मैंने कुछ सालों तक भरतनाट्यम सीखा, फिर मुझे गाने में इंटरेस्ट आ गया और मेरे पापा ने इस चीज़ को पकड़ा कि प्रिया गा सकती है। तो फिर एक कॉम्पिटिशन आया था 2007 में जिसका नाम था सुर तरंग। तो मैंने ऐसे ही पापा ने बस रैंडमली फॉर्म भर दिया कि चलो देखते हैं, एक तुमको स्टेज तो मिलेगा, प्रिया एक स्टेज पे चढ़ेगी तो उसको समझ में आएगा, फिर हम देखेंगे कि वो सिंगिंग को उसको करियर चुनना है या उसको पढ़ाई करना है या उसको डांसिंग करना है। तो मैं गई, तो लकली मुझे कुछ सुरवर का पता नहीं था क्योंकि मैंने सीखना शुरू नहीं किया था, मैं बहुत छोटी थी, आई वाज जस्ट 5 आई गेस। तो फिर मैं गाई, मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे, और फिर मैं दिल्ली गई, पर दिल्ली में नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे बड़े ही बहुत गुणी लोग थे, बचपन से सीख रहे थे, उन्होंने बहुत क्लासिकल सीखा था। तो फिर मैं जब वापस आई तो मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे डांस तो अच्छा लगता है पर मुझे गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे गाना सीखना है। लकली जैसे जैसे मैं सोचती गई वैसे वैसे मुझे सारी चीज़ें मिलती गई। हाँ, टाइम लगा क्योंकि वक्त तो लगता है अच्छी चीज़ को होने में। तो खैर, ओम शांति ओम मेरे लाइफ का बहुत ही बड़ा मुझे लगता है अचीवमेंट है। मैंने उस शो से निकलने के बाद एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत चेंज हो गई। जो पहले की प्रिया थी और अब की प्रिया में बहुत फ़र्क हो गया। तो शो ने मुझे काफ़ी काफ़ी कुछ दिया है। जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए थे सबसे ज़्यादा वो मुझे अप्रिशिएट करते थे। मैं शो की विनर नहीं थी, रनर अप थी, बट स्टिल मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता था। और फिर मैं उसी के थ्रू फिर मैं अभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम भी कर रही हूँ। तो मुंबई में अभी मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा है। स्ट्रगल तो होता ही है, जब तक स्ट्रगल नहीं होगा तब तक मज़ा भी नहीं आता ना। फिर आप बताओगे कैसे कि मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ। तो स्ट्रगल अपनी जगह है, पर हाँ, शो से बहुत ही ज़्यादा सम्मान, बहुत ही इज्जत, और एज एन आर्टिस्ट में अपने आप को मैंने बहुत निखारा है। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड और अभी देखते हैं आगे। मैम, आप जैज गाती हो, पॉप गाती हो, क्लासिकल गाती हो, आपने नहीं सोचा कि भोजपुरी जो सिंगिंग इंडस्ट्री है, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, इसके जो गाने होते हैं डबल मीनिंग गानों के कारण, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि भोजपुरी इंडस्ट्री अपने स्तर से पीछे जा रही है? बिल्कुल, जिस बिल्कुल, स्तर पर पंजाबी इंडस्ट्री या फिर उड़िया, तमिल, मराठी इंडस्ट्री नेशनल फिल्म अवार्ड जीत रहे हैं ये लोग, और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कलाकार हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बट ये दोहरा मीनिंग जो गाना होता है इसके कारण कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री पिछड़ रही है या फिर नज़रों में, निगाहों में वो स्तर पर नहीं आ रही है, आपको ऐसा नहीं लगता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और पहले भी मुझे भोजपुरी से काफ़ी ऑफर्स आए और अब तो ओम शांति ओम करने के बाद काफ़ी आ चुके हैं। तो बट फिर हाँ, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि बचपन से मेरा एक क्लासिकल सा माहौल रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे वेस्टर्न, मैंने सीखा नहीं, मैंने सुन के वेस्टर्न सीखा, तो एक म्यूज़िक का क्लास एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। और मैं हमेशा से अच्छी चीज़ों के साथ मुझे चीज़ें करना पसंद है। अगर मुझे भोजपुरी में अभी भी अगर मुझे अच्छा संगीत, अच्छे लिरिक्स मिले तो मैं ज़रूर करूँगी। मैम, भोजपुरी के कलाकारों की अगर बात करें तो शारदा सिन्हा हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, तो इन लोगों के फिल्म या फिर मनोज तिवारी, रवि किशन के गाने भी एक स्तर के होते थे, जिनमें अश्लीलता उस किस्म की नहीं होती थी जो एक फिल्म का स्तर होता है उस स्तर पे होता था। तो अब ऐसा नहीं है कि जो अब के कलाकार हैं भोजपुरी में वो उन कलाकारों पर हावी हो गए हैं? जी बिल्कुल, इसलिए क्योंकि उस चीज़ को बढ़ावा मिल गया ना। अगर आप, मैं आपको, अगर मैं अगर अभी जो परफॉर्म करती हूँ तो लोग उसको पसंद करते तभी तो फिर मुझे और जगह अप्रिसिएशन मिलता ना कि अरे उसने बहुत अच्छा गाया था, चलो उसको वापस से बुलाते हैं, अरे उसने क्या गाया था। या अभी जो आज के जो सिंगर्स होते हैं, जब आज के जो सिंगर्स हैं वो एक गाना गाते हैं वो हिट हो जाता है तो फिर उनको म्यूज़िक डायरेक्टर्स बुलाते हैं कि अच्छा ये तुमने गाया, ये बहुत ही अच्छा लगा, चलो तुम इसको और ट्राई करते हैं। तो एक दूसरे जगह से मतलब उसको बढ़ावा मिलता है। तो आज के जो चीज़ें, जो अश्लीलता चल रही है भोजपुरी में, वो लोगों ने ही मुझे लगता बढ़ावा दिया, उनको पसंद आ रहा है इसलिए काम करने वाले और बना रहे हैं। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं वो बंद हो गई बनना, अगर वो अच्छी तरीके से बने, वो सब
लोग सुने उसको, हर एक एक चीज़ लोग सुने, तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें ऑफ कोर्स लोग चूज़ करेंगे। मैम, आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर दो चार, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपका, उसके बारे में थोड़ा जानकारी बताएंगे? जी बिल्कुल, तो अभी काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो मैंने बताया कि मैं बिहार के फोक पे अभी काम कर रही हूँ, तो वो जल्दी ही कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेगा। और कुछ मूवीज़ में भी मेरे अभी गाने आने वाले हैं, तो अभी वो मैं मूवी का नाम तो रिवील नहीं कर सकती, पर हाँ है कि ये जो नया साल है, नए साल में बहुत सारे धमाके होने वाले हैं, तो आई विश कि हम सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए नया साल का अच्छा हो और अच्छी अच्छी खुशियाँ लाएँ। मैम, भागलपुर आई हैं आप, तो आप भागलपुर के युवाओं को, वो कला प्रेमी जो गायकी में अपना जीवन मतलब करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जी, मेरा संदेश यही रहेगा कि पहले हमें खुद को तराशना चाहिए, क्योंकि जितना आप खुद को तराशेंगे ना, फिर आपको, क्योंकि मौका कहीं भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है, एक ही बार मिलता है, लकली बहुत बार मिलता, पर यू नो एक जो क्लिक बोलते हैं ना, जैसे ओम शांति ओम मुझे मिला, तो वो मुझे एक ही बार मिला, किक मिला, क्लिक मिला। तो पहले अपने आप को तराशे, अपने में कोई कमी नहीं रखे, फिर बाकी जो होना है वो आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत है, ऑफ कोर्स किस्मत भी है, मेहनत भी है, पर अपने में कभी कमी नहीं रखे, हर वक्त अपने आप को तैयार रखें। मैम, आप हमारे शहर में आई हैं, भागलपुर में आई हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं हमारे, उनको आप अपनी आवाज़ में एक दो गाना अगर डेडिकेट करें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो वो ऐसा था कि प्रेम के रंग में ऐसे डूबे मेरा मतवारे, बन के कोने शाम बसा के उनको थे गा रहे, माधव के बिन जिया जाए ना, जिया जाए ना, माधव के बिन जिया जाए ना, मीरा मोहन के बिन रह पाए ना, रह पाए ना, तन मन कर चुकी वो अरपन, ऐसी लागे लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गले 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 हरे गुन गाने लगे, महलों में पले बल के जोगन चले, मेरा राने दीवाने कहाने लगे। ये सच में नया स्टाइल था, नया अंदाज था। एक गाना मैम भोजपुरी में आप हमारे दर्शक के लिए। भोजपुरी, अच्छा, मतलब भोजपुरी आता है तो फिर मुझे लॉलीपॉप ही याद आता है, पर इस लॉलीपॉप में मैं थोड़ा सा, मेरा ट्विस्ट है, क्योंकि मेरी, मैं जानी जाती हूँ कि मैं हर चीज़ में अपना तड़का लगाती हूँ, तो लॉलीपॉप में गाती हूँ पर थोड़ा सा मेरे अंदाज में, तो ये है कि लिपस्टिक ही लै ले आर्टिस्टिक, हो लगावे लू जब लिपस्टिक ही लै ले आर्टिस्टिक, ओ जिला टॉप लागे लू, हाय जिला टॉप लागे लू, कमरिया 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 करेला बालोप लॉलीपॉप लागे लू, कमरिया करेला बालोप लॉलीपॉप लागे लू, ओ मन पल 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 याद तेरे तड़पा वैसे है, तेरा रूप जिगर में रणके आग लगा वैसे, तेरी आख्या कायो काजल हो मन करे सगोरी घायल, कमरिया करे लाबालोप लॉलीपॉप लागे लू, कमरिया करे लाबालोप लॉलीपॉप लागे लू। बहुत बहुत ही सुरीली आवाज है आपकी।
की हमसे बात करने के लिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सिल टीवी, मैं हूं आपके साथ सत्यम, हमारे साथ कैमरा के पीछे हैं सलमान अनवर। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेशन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।